नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा बेडरूम के बारे में। आपका अपना बेडरूम साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोने में है, दक्षिण पूर्व के कोने में आपका अपना बेडरूम है। आप दक्षिण पूर्व के कोने में सोते हैं या आपके बच्चे दक्षिण पूर्व के कोने में सोते हैं, वहाँ पर आपका अपना बेडरूम बना हुआ है। तो आप नोटिस कीजिए, जब से आप साउथ ईस्ट के बेडरूम में सो रहे हैं या आपके बच्चे साउथ ईस्ट के बेडरूम में सो रहे हैं, तब से उनके अंदर क्या बदलाव है। मेरा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति साउथ ईस्ट के रूम में सोता है, अग्निकोण के रूम में सोता है, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। आप उसके लिए कितनी ही अच्छी बात क्यों ना कहें कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए भी उस व्यक्ति को गुस्सा आता है। वो व्यक्ति किसी व्यक्ति की भी बात सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, गर्म दिशा है। जब व्यक्ति वहाँ पर सोता है तो उसको गुस्सा आता है, उसका माइंड गर्म हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाता है, किसी की भी बात नहीं सुनता। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका साउथ ईस्ट का बेडरूम है, आप इस बेडरूम को अवॉइड करें। आपके यहाँ कोई दूसरा बेडरूम है तो उस बेडरूम का इस्तेमाल करना शुरू करें। साउथ ईस्ट के बेडरूम को बिल्कुल 101% अवॉइड करें। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि घर का माहौल सही होता चला जाएगा। जो व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का हो चुका है, उस व्यक्ति को वहाँ से जरूर हटाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके उसका व्यवहार बढ़िया हो जाएगा। वो सारी बातें सुनेगा भी, समझेगा भी और सही डिसीजन भी लेगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपका बेडरूम साउथ ईस्ट जोन में बना हुआ है तो उस बेडरूम को अवॉइड करें। आप अपनी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500+ वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहे। और जो पुरानी वीडियो है, जो मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो भी आप देख पाएं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।